आज की कहानी है, जाओ बहू हमारे लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक लाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, सब इंतजाम तो बढ़िया है, ये बताओ तुम्हारी नई बहू कहाँ है? जीजी ऑफिस गई है, बस आती ही होगी। आप तब तक शाही पीजिए। और ये आपकी लाडली भतीजी मोना तो है, आपके आने की खुशी में आज कॉलेज से छुट्टी मार ली। बात बदलने के लिए सविता जी ने कहा, तभी रितिका ने जैसे ही हॉल में प्रवेश किया, सबकी एक साथ उठ रही निगाहों को देख उसके चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। अब क्या होगा, मुझे तो आने में देर हो गई। बुआ सास सासू की हैं और मम्मी जी सही नाश्ता भी करवा रही हैं। अब तो दादी सास जी का तीसरा नेत्र खुलने में समय नहीं लगेगा, सोचते सकु साथी रितिका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सबको प्रणाम और बुआ जी को शरण स्पर्श कर ही रही थी कि विमला बुआ जी ने व्यंग करते हुए कहा, सविता भाभी तुम बड़ी बदनसीब निकली, जो नौकरी वाली बहू मिली। मेरा मतलब है भाभी, आपकी सारी उम्र निकल गई उस घर की सेवा साकरी करने में, आपने बैंक बेटियों के लिए अपने आप को रसोई में झोंक डाला। इस सास में बहू आएगी तो आप थोड़ा आराम कर लेगी, भजन पूजन में ध्यान लगा लेगी, नाते रिश्तेदार मेहमानों के स्वागत के लिए निश्चित हो जाएगी। मगर ये क्या नई रिसल पड़ी है आपके घर में, बहू मेहमानों का इंतजार नहीं करती, मेहमानों को इनका इंतजार करना होता है। अब आपको विमला बुआ के बारे में क्या बताएं, सुप्रना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं, और अपनी माँ शंकुतला देवी के राज में मायके को शादी के बाद भी हक जताने से पीछे नहीं रही। माँ की वजह से विनोद और सविता जी भी कभी उनकी गलत बात का विरोध नहीं कर पाए, हमेशा ये सोच कर शुभ हो जाते, घर की बेटी है सार बातें बोल भी जाए तो क्या बुरा मानना, आखिर है तो अपनी ही। अपनी बेटी की बात सुन शंकुतला जी बोली, मैं भी इस बेअकल औरत को यही समझाती हूँ, अपनी बहू को सर मत चढ़ा लेना, अब सास बन गई हो, बहू को पैरों के नीचे दबा कर रख। मगर नहीं, इससे तो बहू को बेटी बनाने का शौक चढ़ा है, शादी के एक महीने पूरे नहीं हुए नौकरी पर भेजना शुरू कर दिया। अरे मैं तो करती हूँ नौकरी वोकरी की क्या जरूरत है, हमारे घर में किस चीज़ की कमी है। तेरे भाई साहब विनोद भी अभी रिटायर नहीं हुआ है और रोन इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, सुब साहब घर गृहस्थी संभालो। मगर सुने तब ना, सविता जी को अच्छे से पता था उनके बोलने का कोई फायदा नहीं, इसलिए दोनों माँ बेटी की बात सुन सुब साहब रसोई की तरफ चली गई। साथ में रितिका ने भी अपनी सास का हाथ बंटवाना शुरू कर दिया और बोली, मम्मी जी मैंने बॉस को पहले ही कह दिया था कि मैं आज हाफ डे ले रही हूँ, मगर अचानक ही एक मीटिंग निकल आई जिसे करना बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप नाराज तो नहीं है? अपनी बहू की बात सुन सविता जी ने उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, ऐसी भी कोई देर नहीं हुई, अब जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं, वरना माँ बेटी की थोड़ी जोड़ी हमें फिर कुछ नया सुनाइए। दोनों सास बहू मुस्कुराकर काम निपटाने लगी। टेबल पर खाना लगते ही सभी खाना खाने पहुंचे, तब विमला जी बोली, भाभी आप भी बैठो ना, कब से देख रही हो शक्कर घीने की तरह घूम रही है, चलिए हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। सविता जी मुस्कुराती हुई अपनी बहू से बोली, रितिका तुम भी हमारे साथ बैठो। अरे इससे साथ बैठने की क्या जरूरत है, बाद में खाती रहेगी, जाओ बहू हमारे लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक लाओ। जी जी मैंने रोटियां सेक कैसरोल में रख ली हैं, हम सभी मिलकर खाना खाएंगे। तब शंकुतला देवी गुस्से से बोली, फिर एक नई रिश्ता ला रही हो,
मेरी बेटी इतनी भारी लग रही है, दो रोटी नहीं सेकी जा रही तुमसे, तुम ना सही। पर बहू को तो बोलो तो ठीक है, रीतिका हमारे साथ बैठेगी और मानो दो रोटियां सेक कर बुआ के लिए लेकर आएगी। अरे बहू के होते हुए घर की बेटी सभी कामों में हाथ लगाती है। भाभी आप तो गजब ही कर रही हैं, ननन विमल गुस्से से बोली। हाँ जी, आपको गरम रोटी से मतलब है, वो सही बहू बनाए या बेटी। और एक बात में अपनी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करती। जैसे बेटी मोना कॉलेज से थक कर आती है, तब रीतिका का फर्ज है कि अपनी ननन का सहयोग करे। वैसे ही रीतिका जॉब से लौटती है तो मोना को ये समझना होगा कि भाभी थक कर आई है, उसे सहयोग की जरूरत है। आज ये अपनी बुआ कि आने की खुशी में कॉलेज नहीं गई, मगर बहू तो थक कर आई है। अगर थोड़ा सा काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएगी ननन विमला। इतने पर ही कहा रुकी, जितने दिन ठहरी हर बात बार अपनी भाभी को बहू के खिलाफ बढ़ती ही रहती। जैसे ठान कर आई होगी नई सास बहू के बीच में कड़वाइट गोल कर ही जाएगी, जिसमें सास माँ भी पूरा साथ दे रही थी। मगर सविता जी हर बात को टाल देती कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। कुछ दिन रुक विमला बुआ वापस जाने लगी, तभी सविता जी ने अपनी बहू से कहा, लो बहू मेरी अलमारी की साबी और सा जाकर बुआ जी के लिए विदाई में देने के लिए जो साड़ी सॉल पायल बिछिया लिए थे लेकर आओ। रीति का सुख साफ सामान लेने चली जाती हैं, तभी ननन विमला बोली, अरे भाभी ये क्या अनर्थ कर रही है, अभी दिन ही कितने हुए हैं। रीति का आप उस घर की बहू बने और आप उसको अपनी अलमारी की साबी दे रही हैं, कहीं उसने आपके रुपये गहने सॉरी कर लिए तो आपको उस पराई लड़की पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बेटी मोना को ही जिम्मेदारी को निभाने देना चाहिए। अरे बहू है नियम कायदे तो उसे समझने ही पड़ेंगे, वरना कल को ना कहना कि हमने बताया नहीं। बात जीजी आप क्या चाहती हैं, बहू है तो उसे सिर्फ काम वाली बना कर रखूं, घर के मामलों में बोलने का अधिकार ना दूं, आत्मनिर्भर बनना चाहती है तो उसे रुको और घर की सार दीवारी में कैद करूं। कल को ये रुपया पैसा सब उसी का है, मगर जब तक जिंदा रहूं अपने दांतों के बीच में दबा कर रखूं, एक एक पैसे के लिए उसे मोहताज कर दूं, बेटा बहू के बीच दरार डाल गलत फहमियां फैला झगड़े करवाऊं और बहू बेटी में फर्क कर पूरा जीवन उसे दूसरे घर से आई पराई अनजानी और ना जाने क्या क्या उपाधियां देती रहू। एक बात और कहना चाहूंगी जी, आज मैं सास बन गई हूँ तो आपको मेरा थकना काम करना इतना बुरा लग रहा है। कल जब आप पल पल मेरी बेइज्जती करती थी तब आपको दया नहीं आती थी, हर बात पर निशा दिखाना आपका शौक रहा, और अब आप साथी हैं। आपकी इस मीठी बोली में आकर जो सब कुछ आपने और अम्मां जी ने मेरे साथ किया वही सब दोहराना शुरू कर दूं। मैं देख रही आप जब से यहाँ आई है एक बार भी मेरे बहू के लिए कुछ अच्छा नहीं बोला, उल्टा सास बहू ननने सब में लड़ाई झगड़ा हो जाए वही इंतजाम करने में लगी है। मगर माफ कीजिएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कल जो आप लोगों ने मेरे साथ किया उससे मैंने ये सीख ली कि अपनी बहू बेटी दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनने दूंगी। जब भी दोनों में से कोई गलत होगी उसे प्यार से समझा दूंगी, बेटी को सुपीरियर और बहू को कमतर नहीं अकूंगी। आखिर बेटी तो दूसरे घर संभालने चली जाती है, मगर बहू तो जीवन भर ससुराल को अपना घर मान अंतिम सांस तक साथ निभाती है, फिर क्यों बहू को तंग कर हम लोग खुश रहते हैं। जीजी कल जब मैं इस घर में आई थी तब बिल्कुल अकेली थी, हर परिस्थिति से निपटने के लिए सूफी समाधान थी, मगर आज मैं अपनी बहू के साथ वही सब नहीं होने दूंगी। जो भी मेरे साथ हुआ उसे पूरी तरह बदल दूंगी, बड़े पूरे परिवार में भी
अपने आप को अकेला महसूस करती थी, मगर अपनी बहू को कभी इस एहसास से गुजरने नहीं दूंगी। उससे जब भी जरूरत होगी मैं उसके साथ हमेशा ऐसे ही खड़ी रहूंगी। आज पहली बार शंकुतला जी और ननन विमला जी दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। सच्चाई आखिर सुनने में किसे अच्छी लगती है, वो भी गए जैसी बहू के मुंह से, जिसने सारा जीवन मुंह बंद कर अपने साथ होते हर उस भेदभाव को सहन कर लिया, मगर ये वे भूल गई। आज वो बहू होने के साथ एक सास भी बन गई है। सही गलत की पहचान उसे बहुत अच्छे से है, और वह बदला नई बदलाव की नई लहर इस घर में लाने की कोशिश में लगी है।